मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर, हथियार और विस्फोटक बरामद। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में मंगलवार सुबह 11:30 बजे जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया। एक अधिकारी ने बताया कि मुंगा गांव के जंगल में मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब टीम गश्त कर रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। घटनास्थल से शव बरामद किए गए हैं। मणिपुर के संदिग्ध आईईडी धमाके में 5 पुलिस कर्मियों समेत 6 लोग घायल। इम्फाल मणिपुर के थंगल बाजार में एक दुकान के बाहर मंगलवार को संदिग्ध आईईडी धमाका हुआ, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक घायल हो गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अधिकतर घायलों की हालत स्थिर है, जबकि एक को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। घायलों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घटना की निंदा की है, साथ ही घटनास्थल का दौरा भी किया। अगवा किए गए 4 भारतीयों को म्यांमार के विद्रोहियों ने किया रिहा, एक की मौत। म्यांमार के अराकान आर्मी के विद्रोहियों ने रविवार को अगवा किए गए 5 में से 4 भारतीय मजदूरों को छोड़ दिया है, जबकि 60 वर्षीय मजदूर की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। विद्रोहियों ने उनके साथ म्यांमार के एक सांसद समेत 10 लोगों को अगवा किया था। घटना के समय वे सभी 2 स्पीड बोट में सवार थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।